दोस्तों आज का वीडियो आप एक एक्सटेंशन पार्ट मान सकते हो कल के वीडियो के लिए, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो बनाया था डी फार्मेसी के इशू के बारे में, उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैं भी डी फार्मेसी को जा रहा हूँ या फिर जाने वाला था या फिर डी फार्मेसी में अभी पढ़ रहा हूँ तो क्या करूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे पैनिक में थे। एक बात वीडियो के पहले में बता देना चाहता हूँ कि जो भी इशू है ये बहुत पुराना है, कोई नया इशू नहीं है जो कल परसों आया है। ये पिछले बहुत सालों से ये डिस्कशन चल रहा है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। और मैं आपको आज बताऊंगा कि अगर आप डी फार्मेसी जाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, जो चीज़ें मैंने पहले भी बहुत सारी लाइव चैट में या फिर लाइव स्ट्रीम में बताई है, और मैं आपको फिर से एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों कल मैंने वीडियो बनाया था कि कौन कौन से रीजंस है जिस वजह से डी फार्मेसी बंद हो सकता है इंडिया में, और ये बहुत लाजमी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इंडिया में इसके ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन चालू है। लेकिन कल का जो मैंने वीडियो बनाया था उसका रीज़न यह था कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स इस चीज़ को एम्फेसिस ऑलरेडी कर रहे थे, तो सोचा जो मैंने ओपिनियन मेरे 1.5-2 साल पहले दिया था उसको मैं एक बार फिर से दे दूँ। फ़र्क इतना हुआ कि 1.5-2 साल पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम पे चैनल हमारा बहुत छोटा था, इसलिए बहुत कम लोगों ने इस वीडियो को सुना था। और फॉर्चुनेटली कल का जो वीडियो था वो बहुत सारे लोगों की तरफ गया और इस वजह से बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ गए। कमेंट जब मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि और एक चीज़ आपको क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब लोग बहुत बड़े पैनिक में आ गए कि अभी क्या होगा, बंद होगा, फेक न्यूज़ है, ये है, वो है। एक बात कहना चाहता हूँ कि न्यूज़ नहीं है ये, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत सालों से चल रहा है। दूसरी बात, तो अगर आप डी फार्मेसी को जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तीसरी बात, गवर्नमेंट कौन सी भी चीज़ अगर बंद करती है तो ऐसा नहीं होगा कि रात के 12 बजे आपको कोई डिसीजन आएगा और कल से डी फार्मेसी वाले सारे बच्चे बाहर होंगे कॉलेजेस से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये कोई डीमोनेटाइजेशन का ये कोई फंडा नहीं है जो रातों रात हो जाएगा, एजुकेशन सिस्टम है। और इसके लिए गवर्नमेंट को अगर बंद ही करना है ना दोस्तों, 2 साल पहले का टाइम देगी गवर्नमेंट इन सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को बाहर निकलने के लिए। यानी अगर आप डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में हो तो आपका सेकेंड ईयर खत्म करने तक आपको टाइम दिया जाएगा, या फिर डी फार्मेसी सेकेंड ईयर में हो तो आपका डी फार्मेसी सेकेंड ईयर खत्म हो जाएगा। यानी गवर्नमेंट कौन सी भी चीज़ बंद करने से पहले जो करंट बैचेस है उनको बाहर निकालती है। अभी इससे पहले इंडिया में जितने भी सारे कोर्सेज बंद हो चुके हैं, आप किसी के भी हिस्ट्री जान लो, करंट बैचेस को कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था। सिर्फ ये बात हुई थी कि वो जो बैचेस बाहर निकल गए उसके बाद फर्स्ट ईयर में कोई एडमिशन नहीं हुआ था। यही बात डी फार्मेसी के साथ होगी, इसलिए कोई बड़ी पैनिक वाली बात नहीं। अगर आप डी फार्मेसी को अभी इस साल जाने वाले हैं तो बिंदास जाओ। लेकिन दूसरी बात और एक ध्यान रखो कि डी फार्मेसी के ऊपर अपना करियर डिपेंड मत रखो, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता गवर्नमेंट ने ये चीज़ बंद कर दी डी फार्मेसी की, या फिर इसके ऊपर कुछ एलिगेशंस, कुछ सवाल आ जाती है फ्यूचर में, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि डी फार्मेसी वैलिड नहीं इसलिए आप डी फार्मेसी भी ना कर पाओ, और डी फार्मेसी को आपको फर्स्ट ईयर का एडमिशन लेना पड़े, जीरो से स्टार्ट करना पड़े। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डी फार्मेसी करो। अगर आपका ग्रुप नहीं भर रहा है तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है अगर आप फार्मेसी में आना चाहते हो, इसलिए डी फार्मेसी करो। उसके बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर में डी फार्मेसी अपनी कंप्लीट करके रखो। डिग्री हमेशा डिग्री होती है, डिप्लोमा हमेशा डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा के ऊपर अपना करियर मत खत्म करो। 2 साल की पढ़ाई आपको बहुत अच्छा लगेगा लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत घातक है, बहुत डेंजरस चीज़ है। यही बात मैं क्लियर कर देना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत पैनिक वाली सिचुएशन हो गई थी, बहुत सारे लोग बोल रहे थे फेक न्यूज़ है, ये न्यूज़ है, वो न्यूज़ है। ये टॉपिक है और बहुत सालों चल रहा है, मैंने सिर्फ कल इसको आपके सामने रखा था। वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपके सवाल का जवाब मैं देने का ट्राई करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।